हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में आईआरसी पेपर यानी कि जेनिक पेपर का हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोग को बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रत्येक प्रश्न जितने भी आप लोग को बताने वाले ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड प्रश्न, यानी कि प्रत्येक वर्ष भी ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो हम एक एक प्रश्न को बताएंगे। अगर आप लोग टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों को टोटल 13 क्वेश्चन पढ़ना है, उनमें से हम 8 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो आपके एग्जाम की उसे 100% आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ पिछले वर्ष के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग का जो है यूजी सेमेस्टर वन सेशन 2022-26 आप लोग का जो एग्ज़ाम रूटीन जो है जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग पता होगा कि 30 जनवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरे सिलेबस को कर पाएँ, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का आईआरसी पेपर यानी कि जेनिक पेपर हिस्ट्री, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से पहला हम टोटल आपको 13 क्वेश्चन बताएंगे, और 13 में से 8 प्रश्न को सिलेक्टेड करेंगे जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा, जिनमें से पहला प्रश्न और जिसमें VVI आप लोग को दिख रहा होगा, VVI यहाँ पे लिखा हुआ है, वे सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं गृह निर्माण पर प्रकाश डालें, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न है और इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देख सकते हैं यहाँ पे VVI लगा हुआ है, इसलिए आप ये भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनमें से प्रश्न है उत्तरवेदी कार्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें, अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें, ठीक है, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर चार है जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें, जो आपके एग्जाम के विषय 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के कारणों का विवेचना करें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के कारणों का व्याख्या करें यानी कि वर्णन करें, जो हर बार ये रिपीटेड प्रश्न जो हर बार पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। इस जितने भी प्रश्न आपको VVI दिख रहे हैं सभी आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप लोग इतना भी पढ़ के जाते हैं तो आप बेहतर से बेहतर नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन का कारणों का वर्णन करें, जो हर बार रिपीटेड प्रश्न है, शॉर्ट टाइप में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो खास करके रिपीटेड प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कि 1942 के भारत छोड़ आंदोलन पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, इसके क्या जीवन और इसके क्या उपलब्धियों रहा, इसके बारे में वर्णन करना, ठीक है, जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में ये प्रश्न है कि दिल्ली संतुलन का जो पतन के क्या कारण है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये रिपीटेड प्रश्न है, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। तो कोल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। तो इस प्रकार आप लोग हम टोटल 13 क्वेश्चन बताएं, जो आपके इनमें से आप लोग जितने भी VVI क्वेश्चन देख रहे हैं सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप यहाँ से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोग का आंसर भी बता दिया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।